अखबार में रोटी लपेटना कैसे हो सकता है इंसानों के लिए जानलेवा, और हॉरर फिल्म देखने पर एक कंपनी क्यों दे रही है आम लोगों को इनाम में लाखों रुपए, और अमेरिका के राष्ट्रपति रिटायर होने के बाद भी क्यों नहीं कर सकते अपनी कार ड्राइव, और एक ऐसा चमत्कारी बच्चा जो 2 वर्ष का होने पर 4 भाषाएं बोल सकता था और 3 साल का होने पर कॉलेज जाने लगा, और थाईलैंड में एक जानवर नारियल तोड़ने में करता है इंसानों की सहायता, और क्या रेडबुल एनर्जी ड्रिंक में सच में सांड का वीर्य मिलाया जाता है, और एक ऐसी मछली जो न केवल पानी में तैर सकती है बल्कि हवा में उड़ भी सकती है, और एक ऐसी माँ जिसने ने मरे हुए बच्चे को जिंदा कर दिया, पर ये चमत्कार हुआ कैसे? यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो के इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 19। दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो रोटियों को अखबार में लपेट कर रखते हैं? अगर हाँ तो हमारा ये फैक्ट आपके लिए ही है। आपको अखबार में लिपटी हुई कोई भी चीज कभी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि अखबार में इस्तेमाल होने वाली स्याही सीधे तौर पर कैंसर से जुड़ी होती है। दरअसल जैसे ही कोई गर्म चीज अखबार के संपर्क में आती है तो अखबार से स्याही पिघलने लगती है और ये आपके खाने में मिल जाती है। इस स्याही में ग्रेफाइट नामक एक विषैला तत्व होता है जो खाने के साथ आपके शरीर में चला जाता है। शरीर में पहुंचते ही ये हार्मोन्स का संतुलन बिगाड़ने लगता है, जिसके कारण प्रजनन क्षमता कमजोर बढ़ जाती है। यहाँ तक कि इंसान नपुंसकता का शिकार भी हो सकता है, और कई बार तो व्यक्ति कैंसर जैसी घातक बीमारी की चपेट में आ जाता है। नंबर 18। दोस्तों, अगर आपको डरावनी फिल्में देखने का शौक है तो आपने एक बड़ी राशि जीतने का मौका खो दिया। दरअसल एक अमेरिकी कंपनी ने पिछले साल अक्टूबर महीने में 13 डरावनी फिल्में देखने पर 1300 अमेरिकी डॉलर यानी 95,000 रुपए देने का ऑफर निकाला। दरअसल फाइनेंस बज कंपनी हॉरर मूवी हर्ट रेट एनालिस्ट नाम के प्रोजेक्ट के लिए लोगों को हायर कर रही थी। कंपनी द्वारा सिलेक्टेड लोगों का काम दुनिया की 13 सबसे ज्यादा डरावनी फिल्में देखना था। इस काम के जरिए कंपनी असल में ये पता लगाना चाहती थी कि क्या बड़े बजट वाली डरावनी फिल्में कम बजट वाली फिल्मों की तुलना में अधिक डरावनी होती है या नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये मौका मिले तो क्या इन हॉरर फिल्मों को आप देखना चाहेंगे? अपना जवाब हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर दें। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 17। अमेरिकी राष्ट्रपति, ये शब्द सुनते ही जहन में दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के राष्ट्रपति का चेहरा आ जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का पद कई अहम जिम्मेदारियों से बंधा होता है। यही कारण है कि यहाँ के पूर्व राष्ट्रपतियों को भी कार्यकाल खत्म होने के बाद भी सख्त नियमों का पालन करना पड़ता है, और इन्हीं में से एक सख्त नियम है कार नहीं चलाने का। जी हाँ, अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी वे कभी भी खुली सड़क पर कार नहीं चला सकते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पूर्व राष्ट्रपतियों को सुरक्षा के लिए सीक्रेट सर्विस का सुरक्षा कवर मिलता है, जिसमें सीक्रेट सर्विस के एजेंट 24/7 उनके इर्द गिर्द रहते हैं। पूर्व राष्ट्रपति होने के कारण उनके कहीं भी आने जाने के लिए सीक्रेट सर्विस को सुरक्षा की तैयारी करनी पड़ती है। यात्रा की योजना बहुत पहले ही बनानी पड़ती है। वैसे अगर उन्हें गाड़ी चलानी है तो वे अपने आवासीय परिसर या निजी संपत्ति में ही चला सकते हैं, उसे लेकर बाहर नहीं निकल सकते। अब दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बायनोमो के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों में मौजूद है, और इसमें आप अलग अलग एसेट जैसे कि गूगल, एप्पल, गोल्ड आदि में ट्रेड कर सकते हो। और तो और, इसमें फॉरेन करेंसीज जैसे कि यूरो और डॉलर्स में भी आपको 90% तक का प्रॉफिट मिल सकता है। इस प्लेटफॉर्म में आपको कोई भी एसेट चुनना है और फोरकास्ट करना है कि उसकी वैल्यू समय के साथ बढ़ेगी या फिर नीचे आएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं 700 रुपए का ट्रेड अप करता हूँ कि इस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, और अब बस हमें कुछ समय का इंतजार करना है। एंड यस, मेरा फोरकास्ट सही निकला, और ये अमाउंट आप बड़ी आसानी से अपने बैंक अकाउंट या पेटीएम वॉलेट में विड्रॉ कर सकते हैं। इसका मिनिमम डिपॉजिट 350 रुपीज है, लेकिन आपने मेरा प्रोमो कोड यूज किया तो आपको डबल मिल जाएगा, यानी कि यदि आपने 400 रुपए डाले तो आपको 800 रुपए मिल जाएंगे। तो दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाओ और डाउनलोड करो बायनोमो ऐप को, और डेमो अकाउंट में तुरंत 65,000 रुपए पाओ, जिससे आप ट्रेडिंग प्रैक्टिस, लर्निंग न्यू स्किल्स और लर्निंग न्यू स्ट्रेटजीज भी यूज कर सकते हो। अब फ्रेंड्स, ये जानना जरूरी है कि किसी भी टाइप की ट्रेडिंग में आपका कैपिटल रिस्क में होता है, इसलिए जब आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा तभी आपका ज्यादा कैपिटल बनेगा, और इससे आपका ज्यादा प्रॉफिट और मनी अर्निंग स्किल्स बढ़ेगी। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और बायनोमो ऐप डाउनलोड कीजिए। आई एम अ बायोनिस्ट, आर यू? नंबर 16। समय समय पर इस दुनिया में कई विद्वान जन्म लेते हैं, इनमें से कुछ गुमनाम हो जाते हैं तो कुछ का नाम हर कोई जान जाता है। ऐसे ही एक प्रसिद्ध विद्वान है किम उंग योंग। किम का नाम यूं ही प्रसिद्ध नहीं है। किम को प्रसिद्धि महज 4 साल की उम्र में तभी मिल गई थी जब उनका IQ 201 पाया गया, जिसके बाद किम को सबसे अधिक IQ वाला बच्चा घोषित कर दिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि किम महज 2 साल की उम्र में ही 4 भाषाएं बोल सकते थे। 3 साल की उम्र में उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई शुरू कर दी। 7 साल की उम्र में नासा द्वारा उन्हें अमेरिका में आमंत्रित किया गया। उन्होंने बाद में अपनी पढ़ाई पूरी की, और 15 साल की उम्र में ही उन्होंने PhD की डिग्री भी हासिल कर ली। उन्होंने कई सालों तक नासा में भी काम किया। फिलहाल उनकी उम्र 60 साल हो चुकी है, और वो साउथ कोरिया की एक यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफेसर काम कर रहे हैं। दोस्तों, अब आपके लिए एक पहेली है। आपको इस आवाज को सुनना है तो कॉमेंट्स में बताना है कि आवाज किस एक्टर की है। तो सुनिए। ना कमिटमेंट ना अपॉइंटमेंट,
only punishment. नंबर 50. दोस्तों, आपने हिरण की प्रजाति के ही जानवर वाइल्ड बीस्ट का नाम तो सुना होगा। इनके बारे में एक दिलचस्प फैक्ट ये है कि इनके झुंड को कंफ्यूजन कहते हैं, मतलब ये झुंड में हमेशा कंफ्यूज ही रहते हैं। आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका में वाइल्ड बीस्ट के सूखे मांस से एक डिश बनाई जाती है, जिस कारण वो हमेशा अवैध शिकारियों के निशाने पर होते हैं। नंबर 40. दोस्तों, आपने मशीनों को इंसानों से तेज काम करते हुए सुना ही होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे जीव से मिलाने जा रहे हैं जो इंसानों से तेज काम कर रहा है, और ये और कोई नहीं बल्कि बंदर की प्रजाति का पिगटेल्ड मैकाक्यूज है। जी हाँ, दरअसल इन दिनों थाईलैंड में किसान अपने नारियल की कटाई के लिए पिगटेल्ड मैकाक्यूज का सहारा ले रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ मैकाक्यूज को ट्रेनिंग देने के लिए बाकायदा स्कूल्स होते हैं। एक ट्रेन्ड मैकाक्यूज एक दिन में 1600 नारियल पेड़ से उतार सकता है, जबकि एक इंसान लगभग 100 नारियल ही उतार पाता है। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा दीजिए। नंबर 30. देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें पिछले काफी वक्त से आम लोगों के लिए परेशानी की वजह बनी हुई है। इससे परेशान होकर लोग विरोध का अनोखा तरीका अपना रहे हैं। औरंगाबाद के एक शख्स ने पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहन छोड़कर घोड़े की सवारी करनी शुरू कर दी। आपको बता दें कि इस शख्स का नाम शेख यूसुफ है, जो कि एक कॉलेज में लैब असिस्टेंट के रूप में कार्यरत है। यूसुफ बताते हैं कि उन्होंने ये घोड़ा लॉकडाउन में 40,000 रुपए में खरीदा था, और आज पेट्रोल और डीजल की कीमत देखकर वे सफर के लिए इस घोड़े का उपयोग घर से 15 किलोमीटर दूर अपने काम पर जाने के लिए करते हैं। नंबर 12. आप सभी ये तो जानते हैं कि ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए कितनी जरूरी है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि समुद्र के खत्म होने से दुनिया से लगभग सब कुछ खत्म हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, हम जिस ऑक्सीजन में सांस लेते हैं उसका 70% हिस्सा समुद्र से आता है। दरअसल मरीन प्लांट पृथ्वी को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं। नंबर 11. न्यूयॉर्क में एक ऐसा आइलैंड है जिसका नाम जस्ट रूम इनफ आइलैंड है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि नाम के ही अनुसार इस आइलैंड पर सच में इतनी ही जगह है कि यहाँ सिर्फ एक कमरे वाला एक घर ही बनाया जा सकता है। नंबर 10. महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला को एक रहस्यमय वैज्ञानिक भी माना जाता है। इनके बारे में बहुत सारे अजीब तथ्य हैं जिसे जानने के बाद अक्सर लोग विश्वास नहीं कर पाते। निकोला टेस्ला के बारे में ऐसा ही एक हैरान करने वाली बात यह है कि टेस्ला कबूतरों की देखभाल भी किया करते थे। वो पार्क में अपने टहलने के दौरान कबूतरों को खाना खिलाते थे, और यहाँ तक कि घायल कबूतरों को अपने अपार्टमेंट में भी लाते थे, जहाँ वो उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए उनकी देखभाल करते थे। ऐसा कहा जाता है कि एक बार टेस्ला ने कबूतर के टूटे हुए पंख और पैर को ठीक करने के लिए लगभग 2000 अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 1.5 लाख रुपए खर्च किए। नंबर 9. एक माँ की ममता मौत के मुंह से भी अपने बच्चे को बाहर ला सकती है। साल 2010 में ऐसी ही एक घटना लोगों को देखने को मिली, जब एक ऑस्ट्रेलियन माँ के उसके मरे हुए बच्चे को गले लगाने से वो बच्चा जीवित हो गया। जी हाँ, कैट ऑग नाम की एक महिला ने साल 2010 में जुड़वा बच्चों जेमी और एमिली को जन्म दिया, लेकिन बच्चे के जन्म के बाद डॉक्टरों ने कैट को बताया कि केवल एमिली बची है और जेमी को उन्होंने खो दिया। डॉक्टरों के मुंह से ऐसी बात सुनते ही कैट ने जेमी को अपने सीने से लगा लिया, और आपको जानकर हैरानी होगी कि कैट 2 घंटे तक जेमी को अपने सीने से लगाए रखी, जिसके बाद वो हुआ जिसकी हम सब कल्पना भी नहीं कर सकते। जेमी की सांसें चलने लगी। अगर कैट ने डॉक्टरों की बात मानकर जेमी को जाने दिया होता तो वो जेमी को हमेशा के लिए खो देती। नंबर 8. दोस्तों, आज जो लंबी लंबी बियर्ड्स आप फैशन के तौर पर देखते हैं, असल में एक समय में लोग उसे अपने जबड़ों की रक्षा करने के लिए इस्तेमाल करते थे। एक स्टडी में पाया गया है कि चेहरे पर लंबी दाढ़ी होने की वजह से अगर कोई आपको मुक्का मारता है तो चोट लगने के चांसेस कम होते हैं। दरअसल मुक्के की 37% एनर्जी दाढ़ी अब्सॉर्ब कर लेती है, और यही वजह है कि पहले लोग घूंसे के प्रभाव को कम करने और अपने जबड़ों की रक्षा करने के लिए लंबी दाढ़ी रखा करते थे। नंबर 7. दोस्तों, हमने बचपन में यही सीखा था कि मछली जल की रानी है और जीवन उसका पानी है, पर अब शायद मछली भी मॉडर्न बन गई है। आज हम आपको एक ऐसी मछली के बारे में बताने जा रहे हैं जो सिर्फ पानी में तैरती नहीं बल्कि हवा में उड़ती भी है। सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये बिल्कुल सही है। ये मछली लगभग 200 से लेकर 400 मीटर हवा में उड़ती है। गरानी नाम की ये मछली आकार में कुछ 45 सेंटीमीटर की होती है। ये मछली पानी में बहुत तेजी से तैरती है और पानी के सतह पर आकर अपने पंख फैला लेती है, और कुछ सेकंड सतह पर तैर कर ये मछली हवा में उड़ने लग जाती है। इस मछली ने हवा में उड़ने की अपनी इस काबिलियत को शिकारी मछलियों से बचने के लिए अपने अंदर विकसित किया है। नंबर 6. दोस्तों, क्या हो जब एक माँ ही अपने बच्चे की जान के दुश्मन बन जाए? उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहाँ एक महिला ने अपने नवजात बच्चे को मिट्टी में दफना दिया। आपने कहावत तो सुनी ही होगी, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। इस बच्चे के साथ भी ऐसा ही हुआ। दरअसल एक महिला राहगीर ने किसी नवजात बच्चे के रोने की आवाज सुनी, और जब उसने पास जाकर देखा तो बच्चे का आधा शरीर जमीन के अंदर था। महिला ने तुरंत ही इसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस टीम ने नवजात को जमीन से बाहर निकाला और अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में भर्ती कराया। नंबर 5. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हार जीत का फैसला भले ही हो गया हो, मगर यहाँ के एक गांव में समाजवादी पार्टी समर्थक ने एक शर्त के अनुसार भारतीय जनता पार्टी समर्थक को अपनी 4 बीघा जमीन 1 साल के लिए देना कबूल कर लिया। दरअसल ये मामला बदायूं जिले के शेखपुर विधानसभा क्षेत्र के वेरिया डांडी का है, जहां के 2 किसान विजय सिंह और शेर अली शाह ने चौपाल पर छिड़ी चुनावी चर्चा के दौरान शर्त लगाई थी कि अगर सपा जीती तो विजय अपनी 4 बीघा जमीन 1 साल के
लिए शेर अली को सौंप देगा, जबकि भाजपा के जीतने पर शेर अली 4 बीघा जमीन विजय को देगा। विजय सिंह जहां भाजपा के समर्थन में थे, तो वहीं सपा का झंडा शेर अली शाह ने बुलंद किया हुआ था। दोनों ने इसके लिए गांव में 12 लोगों की गवाही पर बाकायदा शर्त का लिखित नामा भी तैयार किया। अब यही लिखित नामा सोशल मीडिया पर भी सामने आया है। हालांकि कानूनी रूप से इस लिखित नामे का कोई महत्व नहीं है। अब बीजेपी सरकार आ गई है तो ऐसे में अब इस शर्त पर सबकी निगाहें बसी हुई है। नंबर 4, भारत अपनी अनोखी परंपराओं के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। ऐसी ही एक अनोखी परंपरा झारखंड के एक आदिवासी समुदाय में निभाई जाती है, जिसके अनुसार अगर किसी कुंवारी लड़की पर लड़के ने रंग डाल दिया तो दोनों की शादी करा दी जाती है। झारखंड के संथाल आदिवासी समाज में 15 दिन पहले से ही होली मनाई जाती है। संथाली समाज के लोग होली को बाहा पर्व के रूप में मनाते हैं। इस बाहा के दौरान लोग एक दूसरे के साथ पानी और फूल की होली खेलते हैं। इसमें रंग डालने की इजाजत नहीं होती है, लेकिन अगर किसी लड़के ने कुंवारी लड़की पर रंग डाल दिया तो फिर उसे ये रंग बहुत महंगा पड़ जाता है। पंचायत लड़की से उसकी शादी करवा देती है। अगर लड़की को शादी का प्रस्ताव मंजूर नहीं है तो समाज रंग डालने के जुर्म में युवक की सारी संपत्ति लड़की के नाम करने की सजा सुना सकता है। नंबर 3, दोस्तों नेटफ्लिक्स पासवर्ड शेयरिंग बहुत आम है, जिसमें कई लोग एक ही सब्सक्रिप्शन को दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करते हैं। लेकिन अब ऐसा करना भी महंगा पड़ सकता है, क्योंकि बहुत जल्द नेटफ्लिक्स लोगों से अपना अकाउंट शेयर करने के लिए अलग से चार्ज लेना शुरू कर सकता है। नंबर 2, दोस्तों मिलिए शीमा इनागा नाम के इस पक्षी से। इसे पहली नजर में देखकर कोई भी धोखा खा जाए। ये फूले हुए छोटे और ज्यादातर सफेद रंग के होते हैं, जिस वजह से इन्हें दूर से देखने पर ये एक कॉटन बॉल की तरह दिखाई देते हैं। लोगों ने इस पक्षी की तुलना कॉटन कैंडी से भी की है। शीमा इनागा केवल जैपनीज आइलैंड होकाइडो पर पाए जाते हैं। इनकी लंबाई 13 सेंटीमीटर से लेकर 15 सेंटीमीटर तक होती है और इसका आधा हिस्सा पूंछ का होता है। नंबर 1, रेडबुल दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला एनर्जी ड्रिंक है, जिसके 630 करोड़ से भी अधिक कैन हर साल बिक जाते हैं। रेडबुल एनर्जी ड्रिंक ऑस्ट्रिया देश की कंपनी रेडबुल GmbH बनाती है। आजकल पार्टी और मौज मस्ती में रेडबुल खूब पिया जाता है। लोगों में रेडबुल को लेकर कई तरह के संदेह है, जिसमें सबसे बड़ा संदेह है ये है कि क्या रेडबुल को बनाने में बैल के स्पर्म यानी उसके वीर्य का इस्तेमाल किया जाता है। असल में रेडबुल में कैफीन, टॉरिन, सुगर, विटामिन बी, कार्बोनेटेड वाटर, बेकिंग सोडा, मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है। लेकिन कई लोग शक करते हैं कि रेडबुल ड्रिंक में बुल स्पर्म होता है। ये एक मिथ है कि रेडबुल बनाने में लगा टॉरिन बैल के वीर्य यानी स्पर्म से बनाया जाता है, जबकि असल में इस टॉरिन को सिंथेटिक तरीके से फार्मास्यूटिकल कंपनीज बनाती है। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं।